रिडायरेक्शन और पाइप्स के बारे में इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं उबंटु 10.04 का उपयोग कर रही हूँ। हम यह मानते हैं कि आपको पहले से ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी है और कमांड्स के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है। यदि आप इच्छुक हैं तो निम्नलिखित वेबसाइट पर यह दूसरे स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से उपलब्ध है। यह भी ध्यान रहे कि लिनक्स केस सेंसिटिव है। इस ट्यूटोरियल में उपयोगित सभी कमांड लोअर केस में हैं, अन्यथा कथित हैं। लिनक्स में अधिकांश कार्य हम टर्मिनल के माध्यम से करते हैं। जब हम कमांड का निष्पादन करते हैं, हम साधारणतः कीबोर्ड से टाइप करते हैं। मानिए कि हमें समय और दिनांक पता करनी है, हम डेट टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं। अतः हम साधारणतः कीबोर्ड से इनपुट देते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारी कमांड का आउटपुट टर्मिनल विंडो पर भी प्रदर्शित होता है। यह भी मानिए कि जब हम किसी कमांड को निष्पादित करते हैं, कुछ एरर भी आते हैं। उदाहरणस्वरूप, हम कैट स्पेस एएए टाइप करते हैं। अब पता चलता है एएए नाम से कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, अतः वहाँ एक एरर प्रदर्शित होती है। अब यह एरर टर्मिनल विंडो पर भी आती है, इसलिए हम एरर रिपोर्टिंग टर्मिनल पर भी देखते हैं। अब इनपुटिंग, आउटपुटिंग और एरर रिपोर्टिंग कमांड से संबंधित तीन विशेष कार्य हैं। रिडायरेक्शन के बारे में सीखने से पहले हमें दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए, जो है स्ट्रीम और फाइल डिस्क्रिप्टर। लिनक्स शेल जैसे कि बैश इनपुट को ग्रहण करता है और अनुक्रम के रूप या अक्षरों की स्ट्रीम में आउटपुट भेजता है। प्रत्येक अक्षर इसके एक पहले या इसके एक बाद से स्वतंत्र होता है। स्ट्रीम तक फाइल आईओ तकनीकी का उपयोग करके पहुंचा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षरों की वास्तविक स्ट्रीम फाइल से आती है या फाइल में जाती है या कीबोर्ड विंडो आदि से आती है। लिनक्स में प्रक्रियाओं की प्रत्येक ओपन फाइल एक पूर्णांक संख्या के साथ संयुक्त होती है। इस सांख्यिक वैल्यू को फाइल डिस्क्रिप्टर के रूप में जाना जाता है। लिनक्स शेल्स तीन स्टैंडर्ड आईओ स्ट्रीम का उपयोग करते हैं। इनमें से प्रत्येक सुपरिचित फाइल डिस्क्रिप्टर के साथ संयुक्त होता है। stdin स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है। यह कमांड को इनपुट उपलब्ध कराता है। यहाँ फाइल डिस्क्रिप्टर शून्य है। stdout स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। यह कमांड से आउटपुट प्रदर्शित करता है। इसके पास फाइल डिस्क्रिप्टर 1 है। stderr स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है। यह एरर आउटपुट कमांड से प्रदर्शित करता है। यहाँ फाइल डिस्क्रिप्टर 2 है। इनपुट स्ट्रीम्स प्रोग्रामों को इनपुट उपलब्ध कराता है। स्वतः से यह टर्मिनल की स्ट्रोक्स से लेता है। आउटपुट स्ट्रीम्स टर्मिनल पर स्वतः से अक्षरों को प्रिंट करता है। टर्मिनल पहले एक ASCII टाइपराइटर या डिस्प्ले टर्मिनल था, लेकिन अब ग्राफिक डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट विंडो है। हमने देखा कि स्वतः से तीन स्ट्रीम्स कुछ फाइलों से जुड़े हैं, लेकिन लिनक्स में हम इस स्वतः व्यवहार को बदल सकते हैं। हम इन तीन स्ट्रीमों को अन्य फाइलों में जोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को रिडायरेक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि तीन स्ट्रीमों में रिडायरेक्शन कैसे होता है। पहले देखते हैं स्टैंडर्ड इनपुट कैसे रिडायरेक्ट होता है। हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट ऑपरेटर का उपयोग करके फाइल से स्टैंडर्ड इन को रिडायरेक्ट करेंगे। देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि डब्ल्यूसी कमांड का उपयोग फाइल में अक्षरों, शब्दों और रेखाओं की संख्या जानने के लिए किया जाता है। टर्मिनल पर डब्ल्यूसी टाइप करें। अब एंटर दबाएं। क्या होता है? हम ब्लिंकिंग कर्सर पाएंगे। इसका मतलब है कि हमें कीबोर्ड से एंटर करने की जरूरत है। कुछ टेक्स्ट एंटर करते हैं। दिस ट्यूटोरियल इज वेरी इम्पोर्टेंट। अब एंटर दबाएं। अब कंट्रोल और डी की साथ में दबाएं। अब कमांड उन रेखाओं पर कार्य करेगी जिन्हें हमने प्रविष्ट किया है। कमांड टर्मिनल पर एक आउटपुट देगी। अब यहाँ डब्ल्यूसी कमांड के बाद कोई भी फाइल नहीं दी गई है, तो यह स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से इनपुट लेगा। अब स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम स्वतः से कीबोर्ड से जुड़ जाती है, इसलिए डब्ल्यूसी कीबोर्ड से इनपुट लेगा। अब यदि हम डब्ल्यूसी स्पेस लेफ्ट एंगल ब्रैकेट स्पेस test1.txt लिखते हैं, क्या होता है कि डब्ल्यूसी हमें फाइल test1.txt में अक्षरों, शब्दों और रेखाओं की संख्या बताएगा। अब डब्ल्यूसी स्पेस test1.txt टाइप करें, हमें समान परिणाम दिखता है। अतः फर्क क्या है? जब हम डब्ल्यूसी स्पेस test1.txt लिखते हैं, कमांड फाइल test1.txt को खोलती है और उसे रीड करती है। लेकिन जब हम डब्ल्यूसी स्पेस लेफ्ट एंगल ब्रैकेट test1.txt लिखते हैं, डब्ल्यूसी तब भी किसी फाइल को नहीं खोलता है, उसके बजाय स्टैंडर्ड इन से इनपुट लेने लगता है।
अब हमने स्टैंडर्डइन को फाइल test1.txt में निर्देशित किया है, अतः कमांड test1 से रीड करती है, लेकिन वास्तव में पता नहीं कि स्टैंडर्डइन में डेटा कहाँ से आ रहा है। अतः हमने देखा कि स्टैंडर्ड इनपुट को कैसे रिडायरेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर को कैसे रिडायरेक्ट करें। यहाँ फाइल के लिए आउटपुट या एरर को रिडायरेक्ट करने के दो मार्ग हैं। मान लीजिए एन फाइल डिस्क्रिप्टर को संदर्भित करता है, एन सिंगल राइट एंगल ब्रैकेट फाइल डिस्क्रिप्टर एन से फाइल तक आउटपुट रिडायरेक्ट करता है। आपको फाइल को लिखने का अधिकार होना चाहिए। यदि फाइल मौजूद नहीं है तो बनाई जाती है, यदि यह मौजूद है तो बिना किसी सूचना के मौजूद विषय वस्तु को साधारणतः लुप्त हो जाती है। एन डबल राइट एंगल ब्रैकेट भी फाइल के लिए फाइल डिस्क्रिप्टर एन से आउटपुट रिडायरेक्ट करता है। फिर से आपको फाइल को लिखने का अधिकार होना चाहिए। यदि फाइल मौजूद नहीं है यह बनाई जाती है, यदि यह मौजूद है तो आउटपुट मौजूदा फाइल से संलग्न होता है। एन सिंगल राइट एंगल ब्रैकेट या एन डबल राइट एंगल ब्रैकेट में एन फाइल डिस्क्रिप्टर को संदर्भित करता है। यदि इसे हटा देते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल डिस्क्रिप्टर वन माना जाता है, इसलिए सिंगल राइट एंगल ब्रैकेट वन राइट एंगल ब्रैकेट के समांतर है। लेकिन एरर स्ट्रीम को रिडायरेक्ट करने के लिए आपको टू राइट एंगल ब्रैकेट या टू डबल राइट एंगल ब्रैकेट का उपयोग करना पड़ेगा। अब इसे व्यावहारिक रूप में देखते हैं। पिछले उदाहरण में हमने देखा कि फाइल या स्टैंडर्ड इन में डब्ल्यूसी कमांड का परिणाम टर्मिनल विंडो पर प्रदर्शित होता है। क्या होगा यदि हम इसे टर्मिनल पर प्रदर्शित नहीं करना चाहते, हम इसे फाइल में स्टोर करना चाहते हैं ताकि जानकारी बाद में इस्तेमाल की जा सके। स्वतः से डब्ल्यूसी अपना आउटपुट स्टैंडर्ड आउट में लिखता है। स्वतः से स्टैंडर्ड आउट टर्मिनल विंडो से जुड़ा होता है, इसलिए हम आउटपुट को टर्मिनल में देखते हैं। लेकिन यदि हम स्टैंडर्ड आउट को फाइल में रिडायरेक्ट कर सकें तो डब्ल्यूसी कमांड से आउटपुट को उस फाइल में लिखा जाएगा। मानिए कि हम डब्ल्यूसी स्पेस test1.txt राइट एंगल ब्रैकेट डब्ल्यूसी result.txt लिखते हैं और एंटर दबाएं। अब देखें कि क्या यह वास्तव में हुआ। हम wc_results.txt की विषय वस्तु को cat कमांड के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, यह हुआ है। मानिए कि हमारे पास उसी डायरेक्टरी में test2 अन्य फाइल है। अब हम फिर से test2 फाइल के साथ कमांड निष्पादित करते हैं। हम wc space test2.txt राइट एंगल ब्रैकेट wc_results.txt टाइप करते हैं, अतः डब्ल्यूसी रिजल्ट फाइल की विषय वस्तु अधिलेखित हो जाएगी। चलो देखते हैं। इसके बजाय यदि हम डब्ल्यूसी स्पेस test1.txt डबल राइट एंगल ब्रैकेट wc_results.txt चलाएं तो नई विषय वस्तु wc_results.txt फाइल की पहले से उपस्थित विषय वस्तु में अधिलेखित नहीं होगी, यह संलग्न हो जाएगी। चलिए इसे भी देखते हैं। स्टैंडर्ड एरर रिडायरेक्ट करना उसी तरह होता है, केवल फर्क यह है कि इस मामले में हमें सिंगल राइट एंगल ब्रैकेट या डबल राइट एंगल ब्रैकेट चिन्ह के पहले स्टैंडर्ड एरर के फाइल डिस्क्रिप्टर की संख्या का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम जानते हैं कि AAA नाम की कोई फाइल मौजूद नहीं है। अब लिखें डब्ल्यूसी स्पेस AAA, शेल एरर देगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब मानिए कि हम स्क्रीन पर एरर मैसेज नहीं चाहते, वो किसी अन्य फाइल में रिडायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम डब्ल्यूसी स्पेस AAA स्पेस 2 राइट एंगल ब्रैकेट errorlog.txt कमांड दे सकते हैं। अब एरर टर्मिनल पर नहीं दिखेगी, बल्कि यह फाइल errorlog.txt में लिखी होगी। हम यह cat space errorlog.txt कमांड से देख सकते हैं। अब मानिए कि cat space bbb space 2 right angle bracket errorlog.txt यह कमांड रन करके मैं कोई अन्य एरर करती हूँ। तो कमांड चलाने से पिछली एरर अधिलेखित हो जाएगी और नई एरर दिखाई देगी। देखिए cat space errorlog.txt। यदि हम सभी एररों की सूची चाहते हैं, इसके लिए हम यह कमांड चलाएंगे डब्ल्यूसी स्पेस AAA स्पेस 2 राइट एंगल ब्रैकेट errorlog.txt।
हम इसे cat command का उपयोग करके जाँचते हैं। हमने देखा कि कैसे standard out, standard in और standard error तीनों streams अलग से redirect और कुशलतापूर्वक प्रयोग होती हैं, लेकिन इस तथ्य की वास्तविक शक्ति का अनुमान तब लगा सकते हैं जब हम स्ट्रीमों का साथ में कुशलतापूर्वक उपयोग करें, वो है भिन्न स्ट्रीमों को जोड़ना। इस प्रक्रिया को पाइपलाइनिंग कहते हैं। पाइप्स का उपयोग कमांड की श्रृंखला बनाने के लिए करते हैं। पाइप श्रृंखला में एक कमांड के आउटपुट को दूसरी कमांड के इनपुट से जोड़ता है, या इस तरह दिखता है। कमांड 1 वर्टिकल बार कमांड 2 हाइफन ऑप्शन वर्टिकल बार कमांड 3 हाइफन ऑप्शन 1 हाइफन ऑप्शन 2 वर्टिकल बार कमांड 4। मानिए कि हम वर्तमान डायरेक्टरी में उपस्थित डायरेक्टरीज और फाइलों की संपूर्ण संख्या जानना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं कि ls space minus l वर्तमान डायरेक्टरी की सभी फाइलों और डायरेक्टरीज की सूची बनाएगा। हम एक फाइल ls space minus l right angle bracket files dot txt के लिए आउटपुट रिडायरेक्ट कर सकते हैं। cat space files dot txt चलाएं। अब प्रत्येक लाइन फाइल और डायरेक्टरी के नाम से है, इसलिए यदि हम इस फाइल में संपूर्ण लाइनों को मापते हैं, हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए files.txt का उपयोग कर सकते हैं। इसको हम wc space minus l files.txt कमांड का उपयोग करके कर सकते हैं। हालांकि यह हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, पर वहां कुछ परेशानियां हैं। पहले हमें एक मध्यवर्ती फाइल files.txt चाहिए। यदि पहली कमांड अधिक डाटा प्रस्तुत करती है तो यह व्यर्थ में डिस्क मेमोरी नष्ट कर या कम कर सकती है। यदि हम कई कमांडों की श्रृंखला बनाना भी चाहते हैं, यह पद्धति धीमी है। हम इसे पाइप्स का उपयोग करके काफी आसान कर सकते हैं। हम ls space minus l vertical bar wc space minus l लिखते हैं और हम अधिक सहूलियत के साथ वही परिणाम पा सकते हैं। ls कमांड से आउटपुट wc कमांड के लिए इनपुट के रूप में जाता है। हम पाइप्स का उपयोग करके कमांड की लंबी श्रृंखलाएं भी जोड़ सकते हैं। पाइप्स का एक सामान्य उपयोग मल्टीप्लेज डिस्प्ले पढ़ने के लिए किया जाता है। सीडी स्पेस स्लैश यूजर स्लैश बिन टाइप करें। अब हम बिन डायरेक्टरी में हैं। अब ls माइनस l चलाएं। हम आउटपुट को सही से नहीं देख सकते, लेकिन यदि हम इसे अधिकता के लिए पाइप से जोड़े हम कर सकते हैं। सूची के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए एंटर दबाएं। इससे बाहर आने के लिए क्यू दबाएं। यह कुछ कमांड थे जो हमें फाइल में काम करने के लिए मदद करती हैं। कई अधिक कमांड हैं। हमने देखा कि इसके अलावा प्रत्येक कमांड जिसके कई अन्य पर्याय हैं, कमांड का उपयोग करके उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ। कमांड्स को सीखने का सही तरीका है उनका बार बार उपयोग करना। यह मुझे इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर ले आता है। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है। इस पर अधिक जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र केरवान द्वारा अनुवादित है तथा आईआईटी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।